नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं इंडिया और यूरोप के बीच में नया पार्टनरशिप के बारे में बात करूंगा। आपसे अगर कोई पूछे इंडिया और यूरोप यूनियन के बीच में पिछले डेकेड में कितना % ट्रेड इंक्रीज हुआ है, फिर आप अगर बोलेंगे, अंदाज लगाकर अगर बोलते हैं 30% 40% तक इंक्रीज हो सकता है। लेकिन फ्रेंड आप हैरान हो जाएंगे मैं अगर बोलता हूँ ये ट्रेड 72% तक इंक्रीज हुआ है। अभी फिलहाल इंडिया में 6000 यूरोपियन कंपनीज है, जिससे कि 1.7 मिलियन का डायरेक्ट और 5 मिलियन का इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट होता है इंडिया में। इस मीटिंग में मेनली इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूरोप के 27 कंट्रीज के मेंबर अटेंड थे। इस मीटिंग में मेनली इंडो पैसिफिक ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के बारे में बात किया गया था। इस मीटिंग में बात किया गया था जैसे कि इंडिया में कैसे आप यूरोप के कंपनीज अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर सके और अपना एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर सकते हैं, उसी तरह इंडिया का तब से बात किया गया था जैसे इंडिया कैसे अपना एक्सपोर्ट को यूरोप के किसी भी कंट्रीज में इंक्रीज कर सके और अपना एक्सपोर्ट प्रोसेस को बहुत सिंपल रखे, अपना टैक्सेशन को बहुत सिंपल रख सके, इस बारे में बात किया गया था। फ्रेंड आप बोलेंगे यूरोप में एक्सपोर्ट करना कौन सा बड़ा बात है, इंडियन कंपनीज तो पहले भी यूरोप में एक्सपोर्ट किया करती थी, लेकिन फिलहाल अभी सभी कंपनीज चाहे तो इजीली एक्सपोर्ट कर पाएंगे यूरोपियन यूनियन के किसी भी कंट्रीज में। और ट्रांसपोर्टेशन को सरल बनाने की तरफ भी बहुत हद तक ध्यान दिया गया, जैसे कि न्यू एयर रूट को डेवलप किया गया, इसी के साथ साथ मेरीटाइम इंडस्ट्री को बहुत हद तक डेवलप करने की तरफ बात किया जा रहा है। इस पार्टनरशिप के बाद इंडियन गवर्नमेंट और यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स लोग बहुत इजीली क्लीन एनर्जी से प्रोजेक्ट में काम कर पाएंगे और इंडियन कंपनीज यूरोप जैसे बड़े मार्केट में इजीली अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर पाएंगे और जिससे कि कुछ हद तक अपना मार्केट को कैप्चर कर पाएंगे, जो फिलहाल अभी चाइनीज कंपनी यूरोप में कैप्चर करके रखा है। इससे मेनली अपना इंडियन कंपनीज को बहुत हद तक डेवलप करने में और बहुत हद तक अपना ग्रोथ को मेंटेन करने में बहुत हद तक ईजी हो जाएगा, इसी के साथ इंडियन अर्थव्यवस्था भी बहुत हद तक सुधार आएगा। प्रणव को वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।